हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्प्रेडशीट के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट का मीनिंग क्या होता है? हमने स्प्रेडशीट के अंदर डेटा को अरेंज करना है एक सिस्टमेटिक वे से। हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मींस हमने डेटा को एक सीक्वेंस वाइज अरेंज करना। सॉर्ट इज ए फीचर दैट हेल्प्स यू अरेंज द सिलेक्टेड डेटा आइदर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट एक फीचर्स है जो हमारी हेल्प करता है हम सिलेक्टेड डेटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। सेंडिंग मतलब ए टू जेड, डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए। सेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। फिल्टर क्या होता है? हमने डेटा में से, हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट में, बड़ी मात्रा में डेटा अवेलेबल है। हमने उस डेटा में से कुछ डेटा, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है कुछ पार्टिकुलर डेटा को। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमने पूरे स्कूल का, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्ड रखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं हमने स्पेसिफिक क्लास का डेटा चेक करना है, हम पूरे क्लास वाले कॉलम पे फिल्टर लगा के हम जिसे क्लास का चाहिए हम वो क्लास सिलेक्ट कर लेंगे। ये होता है डेटा की फिल्ट्रेशन, डेटा को फिल्टर करना। फिल्टर इज ए फीचर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग पार्टिकुलर डेटा यूजिंग सम कंडीशंस। फिल्टर भी क्या है? एक फीचर्स एक्सेल का, स्प्रेडशीट का यूज, जिसको हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्टिंग पार्टिकुलर डेटा यूजिंग सम कंडीशन। कुछ कंडीशंस को हम यूज करके पार्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके अलग कर सकते हैं एक बड़ी मात्रा की, बहुत सारे डाटा में से कुछ डाटा कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये होता है फिल्टर। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको। और एक बात आपको बता दूं, स्प्रेडशीट होता है हमारा जैसे कि एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैलसी, ओपन ऑफिस कैलसी और गूगल शीट। हम ये कोई भी काम हम किसी में भी कर सकते हैं, तकरीबन इन्हीं के स्टेप सभी के सेम्स रहेंगे। लेकिन इस सेशन में 10th का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। उसमें फुली जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है लिब्रे ऑफिस कैलसी में होगा। मतलब हम जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं करेंगे, अब हम इसके साथ साथ लिब्रे ऑफिस भी करेंगे, जैसा कि आपने 9th में किया था। हम प्रैक्टिकल पहले हम एक्सेल में करते हैं। एक्सेल में देखिए, हमारा टॉपिक था सॉर्ट एंड फिल्टर। ये हमारा होम टैब के अंदर, एडिटिंग ग्रुप के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है। हम यहाँ से डाटा को, मान लो हमने नेम को सॉर्ट करना है, हमारा नेम वाला कॉलम सेलेक्ट है, हमने सॉर्ट वाले कॉलम पे क्लिक कर दिया, ए टू जेड सॉर्ट हो गया, और फिर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, जेड टू ए सॉर्ट हो गया। एक बात नोट कीजिए, अब हमारा जिस सॉर्टिंग में फुल नेम ऑफ एज ऑन आधार कार्ड को हेडिंग कॉलम मान रहा है, एसआर नंबर एडिशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। इसके लिए हम इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसको कैसे हटाना है, आप देखिए। हमने डेटा टैब के अंदर जाना है, वहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है, वहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करना है। अब देखो लिखा हुआ टिक माई डाटा डेटा एज हेडर्स, इसको हटा दो। अब जब इसको हम सॉर्ट करेंगे, अब इसने उसका हेडिंग नहीं माना, मतलब हेडिंग कॉलम को भी सॉर्ट कर दिया। हमने अंडू किया। अब हम दोबारा ऐसा ही जाकर वहाँ डाटा के अंदर जाएंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो कॉलम सी वैल्यू जेड टू ए कर रहा है जी। कॉलम सी मतलब आपका नेम वाला कॉलम है, और अब माई डाटा हैज़ हेडर्स पे ओके कर दिया। अब इसको जी हेडर मानेगा, उसको कर दिया। इसको अगर आप सेंडिंग भी करोगे तो भी सेंडिंग करेगा। इसलिए अगर आपका जो शीट है उसमें हेडर्स काउंट नहीं कर रहा, तो उसकी आप सेटिंग डेटा टैब में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपने चेक बॉक्स पे चेकड करना है माई डाटा हैज़ हेडर्स पे ओके कर देना है, तब जो आपके हेडिंग कॉलम्स हेडिंग को एज ए हेडर वीजे काउंट करेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप था फिल्टर। यहाँ फिल्टर पड़ा हुआ है,
आप फिल्टर फिल्टर कर लीजिए, सिंपल फिल्टर पे फिल्टर लग गए। फिल्टर का मीनिंग क्या होता है, जैसे अब हमने डाटा को फिल्टर करना है, जहाँ हमारा फिल्टर वाला एक ही कॉलम है, हमने क्लिक कर दिया पिन कोड पे, हमने यहाँ से देखना है 101 वाले पिन कोड वाले बच्चे देखने हैं, ओके कर दिया, अब सारे ओनली इतने दिखा देगा। पहले हमारे आल दिखा रहा था, अगर हमने इसकी बजाय हमने 107 वाले करने हैं तो हमें 107 वाले दिखा देगा। क्लियर। इसमें कुछ हमारे ब्लैंक भी होंगे, सॉरी ब्लैंक तो अपने नीचे वाले हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का भी नहीं फिल किया तो ये ब्लैंक वाले दिखा देगा। क्लियर। इस तरह हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। देखो जो अब जी सेम स्टेप हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस कैलसी में सेम स्टेप देखेंगे, सेम ही वर्क करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर वाला। देखिए इसके अंदर मैंने आपको बता दूं, जो आपका एक्सेल था इसमें आप होम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूलाज डेटा रिव्यू व्यू इसको सभी को टैब बोलते थे, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैलसी में इनको टैब नहीं मीनूज बोलते हैं। फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल शीट डेटा टूल्स विंडोज हेल्प सभी के नेम सेम है, लेकिन इनका नाम क्या है, मीनूज। एक्सेल में भी पहले इनको मीनूज बोल लेते हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में इन्होंने इसको टैब का नाम दे दिया। क्लियर। अब हमने देखो जी आपकी ये टूल बार है फॉर्मेटिंग टूल बार, इसके अंदर ही सोचा जी स्टैंडर्ड टूल बार है, इसके अंदर ही आपका ऑप्शन पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे अपने जेड टू ए कर दिया, ए टू जेड कर दिया। अब देखो जेड टू ए कर दिया तो उसने क्या कर दिया, उसका हेडिंग वाला कॉलम भी उड़ा दिया। हमने इसको एक बार अंडू करते हैं, इसमें भी सेटिंग देखते हैं कैसे हम हेडिंग कॉलम को मैनेज करते हैं। डाटा के अंदर जाएंगे, सॉर्ट पे जाएंगे और ऑप्शन में जाएंगे। एक बात नोट कीजिए, कॉलम आपने एफ नहीं करना, हमने कॉलम सी करना है, असेंडिंग ऑर्डर हमने कॉलम सी सेलेक्ट कर लिया। ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये इसको हटा के, इसको सभी को हटा के हमने इस पर क्लिक करना है, अरेंज कंटेन्स कॉलम लेबल्स, ओके कर देना है। अब उसको जो लेबल्स मान के इसको अपने असेंडिंग ऑर्डर, अब इसको करोगे तो जहाँ से भी ये सॉरी एक मिनट, यहाँ से आप देखो द्वारा सॉर्ट पे क्लिक किया, ऑप्शन पे क्लिक किया, अब देखो उसका चेंज हो गया था। एक बार इसको आप क्या करोगे, अरेंज कंटेन कॉलम्स कर दो, तो सॉर्ट क्राइटेरिया में जाओ, यहाँ से एज एन उधार आ गया, ओके कर दो। अब जैसे कर दिया, क्लियर। अब यहाँ से भी आपको ऐसा ए टू जेड करोगे तो सॉरी यहाँ से नहीं करेगा, फिर उसको आपको हर बार उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी सेटिंग को परमानेंटली ये स्टोर नहीं करता। क्लियर। यहाँ सेटिंग हर बार करनी, अगर आप चाहते हो कॉलम हेडिंग्स हैं उसकी बाय डिफॉल्ट इसको सेव नहीं करता, इसको रीसेट करके देखते हैं अपना। ठीक है जी, अब कर दिया उसने। क्लियर। इसने ऐसा ही फिल्टर है इसका, फिल्टर भी देख लीजिए, फिल्टर पे क्लिक किया, फिल्टर कर दिया। यहाँ से फिल्टर वैसे ही अपने पिन कोड्स लेते हैं, मैंने क्या किया आल को हटा के ये वाला कर दिया, इतने इस वाला दिखा देगा, फिल्टर कर दिया। क्लियर। सेम ही इसका फिल्टर है, फिल्टर यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है और डेटा टूल डेटा मेन्यूज के अंदर भी आ रहा है। क्लियर। ये आपका फिल्टर था। ओके स्टूडेंट, थैंक्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कृपया मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके थैंक्स।